हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन प्रोबेबिलिटी सेशन दिस इज आवर लास्ट वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव तो यहीं पर हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी क्लास टेन की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर से अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एक डाई है जिसको थ्रो किया गया है दो तो बार वट इज द प्रोबेबिलिटी फाइव विल नॉट कम अप टाइम मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो एक भी साइड फाइव नहीं आना चाहिए तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पहले से एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और इस टेबल में मैंने शेड किया है वो रीजन जहाँ पर फाइव आ रहा है तो यहाँ पर इस केस में देखेंगे फर्स्ट के फर्स्ट टाइम में फाइव आ रहा है यहाँ पर सेकंड साइड में फाइव आ रहा है तो स्टूडेंट्स जब हम इसको काउंट करते हैं तो काउंट कर लेते हैं तो काउंट करने पर आ रहे हैं केसेस इलेवन क्योंकि ये वाला केस कॉमन है तो इसको कंसिडर नहीं कर रही हूं मैं तो हमारे पर आ रहे हैं इलेवन जहां पर फाइव आ रहा है बट हमें प्रॉबिलिटी क्या निकालनी है हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है फाइव विल नॉट कम आट साइड तो अगर टोटल नंबर हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं थर्टी सिक्स ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कैसे पॉसिबल आउटकम्स निकाले थे हमने तो वो आए थे थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में से फाइव आ रहा है इलेवन टाइम तो थर्टी सिक्स में से अगर मैं इलेवन माइनस कर दूँ तो ट्वेंटी फाइव केसेज ऐसे आएंगे जहाँ पर फाइव नहीं आ रहा है तो प्रॉबेबिलिटी क्या आएगी फाइव विल नॉट कम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो फाइव विल नॉट कम्स इज ट्वेंटी फाइव टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थर्टी सिक्स तो ये आ गया हमारा आंसर ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा

फर्स्ट पार्ट में बोला है कि हमें आर्ग्यूमेंट बतानी है करेक्ट है या नहीं और हमें रीज़न देना है साथ में अपनी आर्ग्यूमेंट का रीज़न देना है कि अगर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ओके okay? तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इफ़ टू कॉइंस आर टॉस सैमल्टेंसली दो कॉइन्स दिए हैं दोनों को एक साथ टॉस करना है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि थ्री पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं टू हेड्स टू हेड्स की निकालनी है टू टेल्स की और वन ऑफ ईच की और इनके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है इनके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है वन बाय थ्री यू कैन सी हर इनके अकॉर्डिंग वन बाय थ्री आ रहा है तो अब हम चेक कर लेते हैं कि टू हेड्स निकालने की टू टेल्स निकालने की और वन ऑफ ईच निकालने की प्रॉपेबिलिटी सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं तो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल राइट तो वो आ गए फोर काउंट किया तो फोर आ गए अब टू हेड्स निकालने की टू हेड्स किस में आएंगे सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं टू हेड्स तो वन डिवाइडेड बाई फोर विच इज़ नॉट इक्वल टू वन बाय थ्री तो पहला तो गलत हो गया भाई इसने वन बाई थ्री दिया था हमारा आया वन बाई फोर नेक्स्ट पार्ट गेटिंग टू टेल्स अब टू टेल्स कैसे निकलेगा टू टेल्स वन बाय फोर आया है अगेन क्योंकि टू टेल्स में भी एक ही केस है और पॉसिबल आउटकम्स थी फोर ये भी इनकरेक्ट हो गया है अब हमारा थर्ड है वन ऑफ ईच निकालना है वन ऑफ ईच का भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स तो वन ऑफ यानी कि या तो हेड आए या टेल आए उसमें भी दो केसेस बन रहे थे हेड टेल टेल हेड तो दो केसेस तो टू डिवाइडेड बाय फोर विच इज इक्वल टू वन बाय टू विच इज़ नॉट इक्वल टू वन बाय थ्री तो तीनों ही केसेस हमारे बिल्कुल भी हमारे केस जो हमें गिवन है उससे मैच नहीं कर रहे हैं तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ओके

Uh, यहाँ पर स्टूडेंट्स दो डाई नहीं है सिर्फ एक ही डाई है तभी तो पॉसिबल आउटकम सिक्स आए हैं यस तो नंबर विच आर ऑड विच आर ऑड अब ऑड कितने आ सकते हैं वन थ्री एंड फाइव तभी यही हमारे ऑड नंबर्स होते हैं तो कितने हो गए केसेस थ्री तो थ्री डिवाइडेड बाय अगर मैं सिक्स करूँ तो आंसर आएगा वन बाई टू यस इसका भी आंसर यही है इवन का भी देख लेते हैं टू फोर सिक्स इवन होता है ये भी तीन केसेस है थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स वन बाय टू तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टैली कर रहे हैं हमारा इनके साथ तो हमारा आंसर भी वन बाय टू आ रहा है और इनका आंसर भी वन बाय टू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन एंड ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पोस्ट करके दोबारा से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं थैंक यू हैव हैवे नाइस डे